हाँ तो भाई लोग ये देखो, मैं अपना सीज़न 11 का स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा वेट करो, ये सीज़न 11 खुल जावे। सीज़न 11 देखो खुलेगा। सीज़न 11 में पहली बार कॉन्कर गया था, और ये रहा एक का केडी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो भाई लोग, तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होगे, बढ़िया होगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रश गॉड गेमिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना इतना कि भाई मतलब कर देना बस शेयर, ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। तो अच्छा रुको, ज़रा सब्र करो यार, आगे क्यों बढ़ा रहे हो वीडियो को? आगे बढ़ाओगे तो यार कॉन्करर पुशिंग थोड़ी होगा तुम्हारा। भाई ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है, जो तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो आके मेरे को डिसलाइक अनसब्सक्राइब और कमेंट में गालियाँ भर भर के जाना। तो इसलिए अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हो सीज़न 19 में, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो देख लो, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं गेम प्ले के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा प्लेन रूट देख लो कैसा है, और ये देख लो मैं जहाँ जहाँ मार्क लगा रहा हूँ ना, तुम्हें वही वही जाना है, ठीक है? मैं जहाँ जहाँ मार्क लगा रहा हूँ तुम्हें वही वही जाना है, ये बात ध्यान पे रखना। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब मैं अपनी बात दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे जाता ऐसा रूट रहता तो। और ये देखो मैंने मैप जूम किया और मैंने यहाँ पर मार्क लगाया। और सबसे फर्स्ट टिप्स होती है भाई, अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो, अगर लो एंड डिवाइस है मेरे जैसे, सीज़न 11 में मेरे पास थी नोकिया का 3 GB रैम फ़ोन, तो उसमें मैं मतलब कि लैंडिंग नहीं सही से कर पाता था भाई। कहीं पे भी उतरता था लैंडिंग कुछ नज़र नहीं आता था, गाड़ी रेंडर नहीं होती थी और बंदे गाड़ी से उड़ा के चले जाते थे। तो मैंने भाई बहुत मुश्किल से ये वाला ट्रिक किसी बंदे को देख देख के सीखा था, वही मेरा इंस्पिरेशन है कॉन्करर का। वो मैं पर मेरे पॉपुलैरिटी में टॉप 7 पे होगा, चाइनीज़ बंदा है भाई। उसका मैंने 2 सीज़न गेम स्पेक्टेट किया था, सोच लो भाई, कम से कम तो 50-100 घंटे उसका गेम देखा होगा पूरा सीज़न, 2 सीज़न मिला के। तो अभी देखो आपको जंप करना, जैसे ही पैराशूट ओपन करने का ऑप्शन आए आपको टैप टैप करते रहना, जैसे ही ओपन करने का ऑप्शन है ओपन कर देना है पैराशूट को उसी दिशा में, और कुछ नहीं करना, बस आराम से पैराशूट को जाने दो वहाँ तक। तो देखो बता रहे हो अभी कि ये वीडियो भाई पूरा देख कर जाना, तभी कोई फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? बाद में आकर मत बोलना भाई तेरा कॉन्करर टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो से क्या हुआ, भाई कुछ नहीं हुआ। तो भाई तेरे को घंटा नहीं कुछ होगा अगर तू ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा भाई, क्योंकि भाई देख ले, तू अगर एक गेम भी खेलता है 22 मिनट का माइनस, अगर टॉप 10 से पहले मरता है तो तेरा -2-4 लग जाता है। तो भाई ये 35 मिनट की वीडियो है, सोच ले एक गेम खेल रहा है वही सोच के ये वीडियो को देख ले पूरा, बस कहीं पे भी स्किप करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देगा, ठीक है? भाई तू जितना भी बोल ले ये लोग पूरा वीडियो नहीं देखने वाले भाई, ये मेरी गारंटी है। ये लोग बस स्किप कर करके देखेंगे और चले जाएंगे सीधा मोबाइल में वो गेम ओपन करके रैंक पुश करने, और बाद में बोलेंगे कि रश गॉड की टिप्स एंड ट्रिक्स घटिया निकली, घटिया। हाँ तो भाई लोग इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए मैं अभी तक पैराशूट पे हूँ, ठीक है? अभी मेरे को मैंने कुछ नहीं किया, बस अभी मैं पैराशूट पे झूल रहा हूँ। बस धीरे 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 आपको आगे के साइड मतलब कि थोड़ा सा पुल करना है। अभी मेरा आप ये देख लो जॉयस्टिक कैसा है, मतलब मैंने मार्क लगाया कम से कम मिनिमम 4000 मीटर, और मेरा देखो मैं अभी तक आसमान में हूँ। आपको तक तब आसमान में रहना है जब तक आपको कोई गाड़ी स्पॉट ना हो जाए। अगर मान लो कि देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे मार्क लगाते रोड पे और वहाँ पे डायरेक्ट लैंड होते, आपका फ़ोन लो एंड डिवाइस है, वहाँ पे गाड़ी पे एक और दो बंदा उतर रहा होता, तो मान लो कि आप उतरते तो भाई आपको रेंडर नहीं होता, उसका डिवाइस अच्छा होता वो तुरंत ड्राइविंग पे क्लिक करके आपको ऊपर से उड़ा के चला जाता, तो माइनस लग जाता। अब देखो मैं जितना देर अभी आसमान में हूँ, इतना देर में जितने बंदे को भी गाड़ी लेनी थी रोड पे से ले चुके होंगे और चले गए होंगे जहाँ जहाँ उनको जाना है। तो अब आपके पास एक एडवांटेज है कि अभी आप आसमान में हो, तो अभी आपको कोई नया स्पॉट कर सकता नहीं कुछ। अब देखो मेरे को नीचे जैसे ही बग्गी नजर आई मैंने अपना पैराशूट मोड़ लिया। ऐसा नहीं कि आप लोग को मतलब गाड़ी नहीं मिले तो पैनिक होना है, बस जिधर मार्क लगाया उधर एकदम आपको आराम से चले जाना है। आपको इतना बड़ा रास्ता है 4000 मीटर में कहीं ना कहीं पर आपको गाड़ी मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती है तो आप मरोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सेफ ट्रिक है। और भाई ये सबसे पहला ट्रिक होता है पबजी में रैंक पुश के लिए, सोलो रैंक पुश के लिए सबसे पहला गाड़ी भाई, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट नहीं मस्ट है भाई। अगर गाड़ी नहीं तो भाई यार
मतलब हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते बिना गाड़ी के। तो भाई अब गाड़ी जैसे ही मिले आप लोगों को बस एकदम आराम से धीरे 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 बूस्ट मारना नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, मतलब गाड़ी जैसा रोड हो उस हिसाब से चलाना। क्योंकि देखो ये दूसरी टिप्स है कि अगर आप बग्गी से जा रहे हो, अगर आपका बैड लक है भाई तो बग्गी भी आपको -50 दे देता है भाई। और ये सीज़न 11 में बहुत होता था भाई, और सीज़न 11 में पता है कि बग्गी उलटने से ब्लास्ट हो जाती थी, ग्लिच था, बट वो ग्लिच अब सही कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा मतलब कि डैमेज हो जाती है तो भाई बग्गी एकदम मतलब ब्लास्ट हो जाती है, तो तुम्हारा खोपड़ी फूट जाता है सीधा, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे चले जाना। अब भाई देखो वीडियो लंबी है फिर कह रहा हूँ, बोर लगेगी। तो भाई अगर आप पे पेशेंस नहीं है ना भाई तो मैं बता रहा हूँ कॉन्कर कहीं कभी भी नहीं होगा भाई। आप तुम लिख के ले लो भाई, तुम 5 KD वाले भी हो ना तो तुमसे कॉन्कर नहीं होगा अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलूँगा और बोलता रहूँगा कि भाई पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो भाई देखो अभी भी मैं गाड़ी पे ही हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ, और ये वीडियो पूरा गेम प्ले है, एक मैंने इसको कहीं से ट्रिम नहीं किया भाई, पूरा गेम प्ले, ठीक है। और ये देखो अभी मेरे साथ होता है सीन, ये गाड़ी फंस गई इधर। अब भाई गाड़ी फंस गई, इसको उतारने की कोशिश की, नहीं निकलेगी भाई, वो तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम से मैं इधर आ गया भाई, इधर तो कोई आया नहीं होगा। और भाई आराम से इधर लूटा, मेरे को गन मिले ना मिले बस आराम से लूटना है। और भाई तो मैं इधर लूट रहा होता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, मैं सीज़न 11 में ऐसा खेलता रहा, ठीक है। और अभी मेरा डिवाइस देखो क्या स्मूथ चल रहा है, आराम से गन वन उठा रहा, क्योंकि अभी मेरे पास 40 FPS है, और जब मैंने कॉन्कर किया था 1 KD से उस टाइम 10 FPS था। तो भाई उस टाइम तो भाई पूछो मत, अगर क्लोज में बंदा आ जाए तो उसको मतलब मैं गिव अप कर देता था कि मेरे से तो मरेगा नहीं, क्योंकि डिवाइस ही नहीं साथ देगा। तो अभी ये मैं गेम प्ले मतलब कि सोच लो कि लगभग 4-5-6 सीज़न के बाद खेल रहा हूँ ऐसा गेम प्ले, बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ये 3 GB रैम स्पेशल मोबाइल का गेम प्ले है, 3 GB जिसका है या 2 GB भी है, मतलब कि जिसका मोबाइल ऐसा है जिसमें सिर्फ पबजी डाउनलोडेड है और चलता है, मतलब कि वो रो धो के चलाते हैं गेम को, सिर्फ उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई। और ये ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा नहीं कर सकता, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई, कितना भी नूब बंदा हो, मतलब कि अगर नूब बंदा भी है ना, अगर बंदे को खेलना आता है ना, गाड़ी चलाना आता है ना बग्गी, और मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेता है, मतलब कि सोच लो कि स्प्रे उस्प्रे ठीक ठाक दे लेता है, मतलब गेम वेम खेल लेता है भाई, और KD उसका 0.60 भी रहे ना, मतलब कि 0.60 उसका भी कॉन्करर होगा, ये मेरा गारंटी है भाई। और एक बंदे का मैंने ऐसा देखा था एशिया टॉप सर्वाइवल रैंक 1 पे 0.60 की KD से कॉन्करर रहता था हर सीज़न, और उसका भाई वो बंदा भी था मतलब कि इधर का नहीं, तो पहले इस बॉट को मार लिए भाई इसलिए वॉइस रोक लिए थे। तो वो बंदा भी भाई यहाँ का नहीं था, वो बंदा भी जापान का या कहीं और साइड का था भाई। वो बंदा सिर्फ क्या करता था, वो भाई मतलब कि एवरेज सर्वाइवल 28 मिनट या 27 मिनट रखता था भाई, एवरेज सर्वाइवल मतलब 27 मिनट समझ रहे हो भाई रख पाना, मतलब कि सोच लो कि एकदम मतलब गॉड लेवल पेशेंस, मतलब वो बंदा सिर्फ सर्वाइव करता था, और उसके पास डिवाइस नहीं होगा शायद इसलिए वो सर्वाइव करता था। और वो कॉन्करर भाई 7 दिनों में भी लगा लेता था भाई, सीज़न के एंड तक रह जाता था, मतलब आप लोग भी लगा सकते हो, बस डिमोटिवेट मत होना। और ये देखो मैं अभी इधर जा रहा हूँ, और आप लोग भी कहीं पे कंपाउंड लूटने जाओ तो पहले स्कोप खोल के देख लो, और देखना कि मेरे को शक लग रहा था इधर बंदा है। और देखो मैं धीरे 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 आगे बढ़ता रहूँगा और मेरे को गेट खुला हुआ नज़र आ जाएगा सामने का। तो भाई देखो अभी तक मेरे को स्पॉट नहीं हुआ अच्छे से, मैं कंफर्म नहीं हुआ, बट मैं फिर भी देखा और देखा, तो भाई ये देखो गेट खुला हुआ, मैं बोला भाग ले इधर से वरना -50 लगेगा। तो आप लोग को भी ऐसा ही करना है, आराम से उधर जगह देख लो पहले दूसरे कंपाउंड में जहाँ पे आप लोग जा रहे हो, अगर भाई उधर बंदा दिखे तो भाई सीधा भाग जाओ उधर से। और देखो मैं इधर से अपना सीधा मतलब दौड़ लगा लेता हूँ कि भाई देखो मैं तो भाई अभी जोन में हूँ, और कोई भाई इधर मेरे को स्पॉट करके तो आएगा नहीं कि भाई फरा मतलब कि रश गॉड इधर दौड़ रहा है चल उसको मारने, भाई एकदम बिंदास दौड़ते रहो आराम से भाई, सिर्फ सर्वाइव करना है कैसे भी करके। और भाई ये टिप्स एंड ट्रिक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किसी यूट्यूबर ने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है कि नहीं। तो भाई अभी देखो मैंने 20 बैंडेजेस उठा लिए हैं, तो और थोड़ी सी इसमें बातें कर लेते हैं थोड़ी कि क्या क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, ठीक है। तो आप लोग को भाई जितना बैंडेज मिले जितना मैक्सिमम 50-55 बैंडेजेस उठाने हैं, ठीक है। और आपको 5K ammo उठाने हैं, मान के चलो कि 150 ओनली 150 5K ammo उठाने हैं, और अगर 7 वाली गन उठाए हो आप तो 100
20 मैक्सिमम एंड मिनिमम मैं तो कहूँगा 100 रखो, क्योंकि इसमें आपको फाइट लेना ही नहीं, तो आपको एमओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग लो एंड डिवाइस वाले हो, आपको भाई कॉन्करर का फ्रेम चाहिए, टाइटल चाहिए, ना कि आप लोगों को केडी चाहिए। तो आप लोग आराम से इतना ये चीज़ कैरी करना और स्मोक कैरी करना कम से कम 4 या 5, और ग्रेनेड कैरी कर लेना 3 या 4। और बेस्ट गन कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि एक रख लो 5 का गन, एक रख लो 7 का गन। अगर आपको स्नाइपिंग करनी आती है तो आप एक स्नाइपर और 8x भी रख सकते हो किल निकालने के लिए, किल चोरी करने के लिए, ठीक है। मतलब कि किल मतलब मिल जाए तो बहुत ही होती है। और ये बात याद रखना कि आप लोग ये हमेशा कन्फर्म रहना कि आप लोग जब भी खेलोगे ना तो आपको एक ना एक बॉट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, हर मैच में मिलेगा आपको एक बॉट। और एक बॉट पाने का तरीका सिर्फ यही है कि मैचिंग लगाओ जब भी, तो 30 सेकंड से ऊपर हो जाए तो कैंसिल मत करना, हो जाने देना। मैंने भी ये ट्राई किया था। ऐसा नहीं कि भाई आप इंडो लॉबी भी स्टार्टिंग में खेलोगे तो बहुत ज़बरदस्त प्लस मिलती है और पिंग भी सही आती है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है भाई। और एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं बताता भी नहीं। आप मेरा क्या स्टैट्स देख लीजिए सीजन 11 का, ठीक है। तो आराम से देखो, मेरा ये था भाई फेवरेट लैंडिंग स्पॉट। मतलब 2-3 स्पॉट्स और हैं जो मैं बताऊंगा तो भाई पूरा मतलब घंटों घंटों का वीडियो बनेगा, बट भाई मेरा ये एक तरह से फेवरेट स्पॉट बन गया था। मैं हमेशा इधर आता था भाई लूटने, और इधर भाई कोई नहीं आता था लूटने, और इधर मैं आराम से लूटता उठता था। और भाई अभी तो मेरा फ़ोन अच्छा चल रहा है, तो भाई अभी तो मैं फुल नशे में लूट रहा था। भाई मतलब कि आपको ऐसे जगह जाना है जिधर एक भी बंदा ना आता हो 3GB रैम में, मतलब कि आपको वही कोशिश करना। और मैं इधर व्हीकल थोड़ा देख लेता हूँ भाई, अगर व्हीकल नहीं तो सबसे पहले व्हीकल ढूंढ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हीकल। तो भाई देखो, व्हीकल ढूंढने का सबसे अच्छा निंजा टेक्निक है, ठीक है, कि एकदम सीधा इधर आ जाओ अपना रोड साइड, आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर आराम से दौड़ते दौड़ते आ रहा था भाई, और इधर मेरे को मिल गई गाड़ी। अच्छा ठीक है, तो बोर हो रहे हो क्या वीडियो देखते देखते? अगर बोर हो रहे हो तो चल जाओ भाई, तुम लोग के बस की बात नहीं है कॉन्करर। अरे भाई मेरे को पता है तुम लोग अभी इससे आगे स्किप कर करके देखने वाले हो मेरी वीडियो। ना भाई ना रसगॉड, ये लोग स्किप करके नहीं देखेंगे। जिन्होंने 11 मिनट तक वीडियो देखी है वो अब तेरी वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। तू टेंशन ना ले, ये लोग पूरा देखेंगे वीडियो, क्योंकि इन्हें करना है कॉन्करर, नहीं तो ये अभी तक तेरी बकवास थोड़ी सुनते 11 मिनट तक। हाँ तो भाई लोग, मैं इधर आ गया बाइक लेके भाई, धूम 3 इतना मतलब बाइक चला के भाई इधर आया इस। और ये भी एक तरह से कह लो कि मेरा लैंडिंग स्पॉट था, मतलब इधर मैं 4000 मीटर दूर प्लेन रहता था तो मैं इधर भी आता था लूटने का भी। और ध्यान रखना कि इसको मेन स्पॉट मत बनाना लूटने के लिए, अगर लो एंड डिवाइस है तो यहाँ पे कैंपर आके कैंप करते हैं। देखो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे, बट मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को आना पड़ा। ज़्यादा मैं सोचा था आप लोग को बताऊँ कि किधर जाने का किधर नहीं जाने का। अब इधर देख लो, आपको 20 बैंडेजेस मेरे बैग में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इधर आया तो मेरे को डॉट लग रहा था, मेरे को लूट तो मिल रही थी बट मेरे को डॉट लग रहा था ये जगह लूटेड है हल्का। और भाई लूटेड जगह पहचानने का एक तरीका कि आप देखना घर में थोड़ी बहुत लूट छोड़ी हुई रहेगी, या तो पिस्टल की गोली उठा लिया होगा एनिमी ने, या तो गेट वेट खुला रहेगा, ये तो सबसे सिंपल सी बात है। बट आप लोगों को ये डॉट होता होगा कि साले बॉट भी गेट खोल जाते हैं, तो बॉट मतलब कि अगर आपको मतलब कि रखना है कि बॉट मतलब कि गेट खोला तो वो पता चल जाएगा, लेकिन अगर बॉट नहीं खोला होगा तो आपको बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चीज़ को नोटिस करना है कि इधर कितनी सारी एमओ है और कितना पिस्टल में एमओ रहता है। जैसे हर पिस्टल के साथ भाई एमओ तो रहता ही, कोई भी गन एमओ रहता है, ठीक है। तो इस वाले घर में उतना डॉट नहीं हुआ था मेरे को, बट हल्का सा लग गया था कि इधर बंदे हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा केयरफुल होकर लूट रहा था। और भाई देखो 25 बैंडेजेस थे अभी मेरे पास, और ये देख लो जोन, शायद से ये सेकंड जोन है और मैं इधर लूट रहा हूँ पूरा मस्ती से। आपको जोन का टेंशन नहीं लेना, आपको जोन में नहीं जाना, मैं सब बताऊँगा जोन में कैसे जाना है, ठीक है। जोन में जाना ही नहीं है, ये गेम प्ले देखो। अभी मैं यहाँ पे आराम से लूटता हूँ, मैंने कैसे किया था कॉन्करर पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ तो भाई लोग इधर देखो, मैं अभी इधर पूरे नशे में लूट रहा हूँ भाई, और भाई जितने बैंडेजेस मिलेंगे सब उठाऊँगा। तो भाई आप लोग को उधर लूट के कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आप लोग को उधर लूट के फ्री वाला बिल्डिंग वहाँ पे आ जाना है। और भाई देखो यहाँ पे आपको एक हेल्थ किट वहाँ मिलेगा, उसको उठा लेना है, ठीक है। तो भाई लोग अब देखो मैं कैसे कैसे लूटता हूँ भाई, ये बूम बूम भाई देखो। अब भाई सब दो पेटियाँ भाई, पेटी चमक रही भाई इधर USZ। तो भाई अब मेरी हालत हो गई ख़राब भाई, अरे मैया ये क्या देख लियो, बचाओ भाई बचाओ, भागो जल्दी जल्दी भाई इधर। भाई ऐसा जब भी सीन देखे ना
तो समझ लो कि आसपास कोई गुंडा बैठा है, ठीक है। अब भाई मैं सोचा कि क्या करूँ इधर भाई, इधर तो साले क्रेट पड़े। तो मैं बोला भाई जब क्रेट तुम्हारी है तो भाई लूट तो बनती है ना बॉस। तो मैंने इस क्रेट को लूटी भाई, और ये जंप, भागो भाई भागो 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 भाई, आपको 25,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना है भाई। और भाई मतलब कि पीछे देखना ही नहीं भागना है, तो ठीक है अगर भागो तो पीछे देखो ही मत भाई, अगर पीछे देखा तो सोचो धप्पा मार देगा आगे भाई कोई। और भाई उसके बाद आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस बाइक उठाना धूम थ्री के सलमान खान की तरह। अब धूम थ्री में कोई भी था मेरे को से नहीं मतलब, बस आपको बाइक उठा लेना है, ठीक है। और आपको बन जाना हैवी ड्राइवर, ठीक है। और हैवी ड्राइवर बनने के लिए आपको एक कार की ज़रूरत होगी, और इस कार को आपको लेनी पड़ेगी। और इस कार को लेने के बाद आप हैवी ड्राइवर बन चुके होंगे, और अभी भी आपको पैनिक नहीं होना, आपको जोन में नहीं जाना है, ठीक है। आपको जोन में नहीं जाना, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप 3GB रैम प्लेयर हो तो आपको लालच में जोन में जाना नहीं है। कॉन्करर ऐसे ही होता है। अगर इससे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स कोई दे दे तो आप मेरे से आगे बताइए। और भाई इससे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई वीडियो देख के ऑटोमेटिक कॉन्करर लग जाएगा तो नहीं, कॉन्करर आपको खुद से लग देगा। आपको बस टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, और भाई करना सब कुछ खुद को है आपको। बस मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कैसे किया था। और भाई मैं भाई नहीं कह सकता हूँ कि मेरे से भी लो डिवाइस पे किसी ने कॉन्कर किया होगा आज तक, ठीक है। मैं ये उम्मीद नहीं करता भाई। मैं मतलब कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्ल्ड का पहला प्लेयर रहता हूँ कि जिसने इतना लो एंड डिवाइस पे कॉन्कर किया 10 FPS पे। और भाई मतलब नोकिया का फ़ोन समझ रहे हो ना, उस पर किया था मैंने कॉन्कर। और भाई अब मैं इधर आ गया, उधर से तो खतरा फ्री हो गया, और इधर आके मैं सोच रहा बैंडेज ढूंढने लगा भाई, बैंडेज मिल जा। तो भाई फिर बैंडेज की भाई इधर मैं फ्लेयर से मंगाता हूँ, बैंडेज थे सारे। तो भाई अब मेरे को बैंडेजेस मिलने स्टार्ट हो जाते, देखो मैंने मारी थी फ्लेयर और इधर आ गए इतने सारे बैंडेजेस। अब भाई ये फ्लेयर गन सिर्फ मतलब कि रैंक पुशर के लिए होता है, जैसे 3GB रैम प्लेयर के लिए वो फ्लेयर चलाने पे भाई बैंडेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, बैंडेज उठा देते रहना, उठाते रहना भाई, जितना बैंडेज मिले उतना आपके लिए, जितना बैंडेज मिलेगा आप लोग उतना सर्वाइव करोगे, बस इतना ध्यान में रखना। और भाई आपको लालच तो आएगा ही आएगा कि भाई 7 का एमओ उठा लूँ थोड़ा, भाई 5 का एमओ उठा लूँ थोड़ा, M4 उठा लूँ थोड़ा। तो भाई इस लालच को नहीं रखना आपको, आप लोग को बस M4 में 150 और AKM में 100 एमओ, बस भाई इतना ही रखना। और इधर देखो भाई एक गुंडा निकला पीछे से, मैं बोला चला जा बोसड़ी के वरना मर जाएगा। तो भाई मेरा बात सुन के वो चला जाता है, ठीक है। तो मैं इधर आराम से लूट रहा हूँ भाई। भाई कितना लूटेगा, रुक जा भाई साले, पूरा लूट लेगा, पूरा लूट लूंगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लूटूंगा, हाँ मैं लूटूंगा। मम्मी मुझे लूट चाहिए, मुझे लूट चाहिए, मैं लूटूंगा। क्या कर लेगा तू, मेरे को लूटने दे साले चुपचाप से, वरना मार दूंगा गोली। साले मेरे पास DP और M7 है, भाग जा यहाँ से, चला जा भोसड़ी के। अरे हाँ हाँ भाई, हाय भाई लूटने दे रहा हूँ भाई, लूट ले जितना लूटना है तेरे को लूट ले भाई। मेरा कैरेक्टर पूरा गुस्सा हो गया कि भाई लूटने से तू मना क्यों कर रहा भाई, गाली वाली सब देने लगा भाई। लूट ले भाई तू, अरे बाल वाले साले लूट ले पूरा भाई। ये देखो 45 बैंडेजेस हो गए, और लगभग इधर मेरी लूट हो गई कंप्लीट भाई। मैं सीज़न 11 में मतलब कि जब कॉन्कर फर्स्ट टाइम किया था, तो भाई मैं आधा गेम प्ले में भाई आधा गेम लूटता रहता था, आधा से ज़्यादा गेम तक लूटता रहता था भाई। इतना लूटता था ना भाई कि भाई बैग फुल हो जाती थी 3 लेवल की, और बन जाती थी 6 लेवल की। अब देखो ये हो गया, मैं बस 50 बैंडेजेस, और भाई जोन का मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं बस बैंडेजेस की खोज में लगा हुआ हूँ। अब मेरे को मिल गए 50 बैंडेजेस, अब मेरा दिल हो गया खुश, क्योंकि भाई 50 बैंडेजेस के बाद 5 हेल्थ किट, जो कि समझ रहे हो भाई 5 हेल्थ किट बहुत ज़्यादा होती है। और भाई अब देखो जोन बन गया होता फिर से, एक और जोन थर्ड जोन बन गया होता, तो मैं अभी भी भाई लूट ही रहा हूँ भाई, क्योंकि इसको मना करूँगा लूटने के लिए तो शायद से फिर से गाली देने लगेगा ये साला, क्योंकि ये सीज़न 11 वाला प्लेयर खेल रहा है भाई अभी। भाई लूट ले, निंजा टेक्निक लूट ले, बैंडेज ढूंढ ले भाई, अभी 5 बैंडेज और मिला देखो उधर। और भाई अब मेरा लूट मतलब कि लगभग कंप्लीट हो गया होता है। अब इसके बाद आपको ज़्यादा लूटने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपको एक काम करना है, बस आराम से बैंडेज लगते रहना। और ये देखो थर्ड जोन है, और मैंने मार्क लगा लिया भाई, और आराम से मैं इधर बैंडेजेस मार रहा हूँ भाई, बैंडेजेस मार रहा हूँ भाई, बैंडेजेस।
मार ले भाई बैंडेज, मार ले जल्दी भाई, बोर हो रहा हूँ यार, कितना बैंडेज मारेगा भाई। आप लोग भी वीडियो देख के बोर हो रहे होगे ज़रूर, बट भाई ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है भाई सोलो रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स का, ठीक है। और भाई मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डालना नहीं चाहता था, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो डालूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स का, और उसके बाद मेरे को कोई सा वीडियो नहीं डालना टिप्स एंड ट्रिक्स का भाई, क्योंकि इससे बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स कोई दे ही नहीं सकता और ना ही इससे बेटर टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये भाई कोई भी बोलता है कि आके 10 टिप्स फॉर कॉन्करर भाई, ऐसे लूटो वैसे लूटो। अब ये देखो 3 लेवल का सूटकेस मिल गया हमको भाई, भाई बोल रहा है मतलब मेरा करेक्टर के अभी और लूटूंगा बेटे, 3 लेवल का सूटकेस मिल गया, साले मना करेगा मुँह तोड़ दूंगा। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, तुम ही लूट लो, ठीक है तुम लूट लो भाई लूट लो। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि आराम से लूटने थे, मतलब कि 3 लेवल भी फुल कर लो अगर बैग मिल जाए तो। अब भाई वो लोग क्या बताते हैं कि 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब कि भाई वो ऐसी कोई ट्रिक्स ही नहीं होती भाई कि आप सेफ लैंडिंग करो, आप इधर जाओ उधर जाओ, फाइट मत लो, ये मत लो भाई, ये तो हर कोई बताता है, बट ऐसा गेम प्ले देखा ना तब ना जानूं भाई। मेन तो भाई ये वीडियो देख के सीख, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि भाई मत देखो उन लोगों की वीडियो, बट भाई मैं बता रहा हूँ कि मेरे को मन नहीं था, बट मैंने सोचा था जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला था ना तभी सोचा था कि मैंने इतना मेहनत से कॉन्कर किया तो मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा कि जिसको देख के भाई सब बंदे को हेल्प हो जाए, ठीक है। और मैंने डाला भाई, ठीक है। और भाई ये बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में भाई, और वॉइस ओवर करने में भाई 5 बार पानी पीना पड़ेगा, 5 गिलास नहीं भाई, मैंने अभी तक 10 गिलास पानी पी लिया ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते। नहीं भाई यो ये लोग झूठ बोल, ये झूठ बोल रहा है चूतिया, इसने अभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया, ये तुम लोग तो चूतिया काट रहा है बस ऐसे बोल के कि तुम लोग इसकी वीडियो देख लो। अरे सॉरी 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 भाई, सॉरी झूठ बोल दिया यार, क्या यार तू भी बता देता हर बात मेरी भाई, थोड़ी सी झूठ भी नहीं बोलने देता पब्लिक से भाई, जब तक बैंडेजेस मार रहा था 2-4 झूठ बोल लेता भाई, झूठ बोलने से ही तो वीडियो चलती है यार, क्या तू भी एक्सपोज कर रहा है मेरे को भाई, तू मेरा दोस्त है कि भाई इन लोगों का दोस्त है यार। बट यार चलो छोड़ो उन सब बातों को भाई, अब देखो इधर इधर बचे 43 बैंडेजेस, और जोन तो भाई अभी फिर से स्टार्ट हो चुका रहता है, और भाई मैं अभी भी मज़े में लूट रहा रहता है भाई इधर, मेरे को कोई परवाह नहीं जोन किधर भी बने, जोन भाण में जाए मेरे को उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी 48 बैंडेजेस है भाई, 48 बैंडेजेस अभी तक भाई मेरे पास जीवन दान है भाई। अभी आपको पैनिक होना ही नहीं, मतलब कि अगर पैनिक हो गए ना भाई तो कसम से कुछ नहीं कर पाओगे, ये वीडियो देख लो भाई, अगर अच्छा से नहीं देख पाओ तो 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 10 बार देख लो भाई, बट ऐसे ही खेलना तभी होगा कॉन्कर, और इससे अलावा आप कैसे भी खेलो कॉन्कर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो जोन भाई, जोन मतलब कि चौथे जोन शिफ्ट होने वाला है, मतलब कि फोर्थ जोन बनने वाला है, ठीक है। और भाई मैं फोर्थ जोन में अभी एंटर नहीं करूँगा, आप लोग टेंशन ना लो। और इधर भाई मैं आराम से भाई लूट रहा हूँ, मतलब सॉरी मैंने लूट ख़त्म कर ली, अब मेरे को लूटना नहीं है, ठीक है। अब मेरे को इधर ही, अब भाई जोन देखो, अब जोन देखे भाई आप लोग की यहाँ पे कुछ फट सी जाएगी, आप लोग की भी फट जाएगी, जैसे भी मेरी फट गई देख के जोन कि भाई यार ये क्या हुआ, और आप लोग हड़बड़ा जाओगे और जैसे तैसे जोन में निकलने के लिए पागल हो जाओगे। और भाई यही तो करना है भाई, ये ट्रिक किसी को नहीं पता है, आई थिंक कि 10% लोगों को पता है, आपको जाना ही नहीं है। देख लो जोन किधर है और मैं किधर हूँ, ठीक है, जोन किधर है और मैं किधर हूँ, देख लो भाई जोन, आप लोग पॉज करके जूम करके देख लो भाई, बाद में मत बोलना कि भाई ये क्या, हम लोग तो इस जोन में मर जाते हैं, तू कैसे जिंदा है, तो भाई वो सब पता चलेगा आप लोगों का, रुक जाओ। अब इधर मेरे पास बच रहे हैं बैंडेजेस, तो मैं बैंडेजेस मारते मारते हेल्थ फुल करूँगा अभी, और देख लो यहाँ से ये चौथा जोन शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो चौथा जोन जैसे ही शिफ्ट हो जाए आपको हेल्थ फुल करके जोन की तरफ भाग चलना है, आपको ये सलमान भाई वाली गाड़ी ले लेनी है और सीधा जोन की तरफ चलते रहना है। और भाई हैवी ड्राइवर नहीं बनना, ध्यान से रखना, हैवी ड्राइवर अगर आप बन गए तो भाई मैं तो बोलूँगा कि सलमान भाई वाली गाड़ी मत लेना, मेरे पास मजबूरी थी, या तो बग्गी ले लो या तो US ले लो, और 3-4 फ्यूल उठाया करो भाई, 3-4 फ्यूल तो उठा लिया करो, मतलब कि 3-4 तो ज़्यादा बोलती है, अगर 2 फ्यूल भी उठाओगे तो चलेगा, याद रखना फ्यूल उठा लेना, ये सलमान भाई वाली गाड़ी है इसलिए मैं हैवी ड्राइवर नहीं बनना चाहता, ठीक है। और भाई आप लोगों को हैवी ड्राइवर नहीं बनना है, सीधा जोन की तरफ बनते रहना, और अपनी हेल्थ को नहीं देखना है ज़्यादा, अपने हेल्थ को देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हेल्थ को कुछ नहीं होने वाला, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अभी 40 बैंडेजेज, आप सोचोगे कि भाई इतना बैंडेज उठाने के लिए बोला और ये क्या करेगा बैंडेज का, तो भाई वो बैंडेज का यूज़ बाद में होगा, अभी आपके पास 6 हेल्थ किट होंगे,
आई थिंक आपके पास 7-8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मेरे पास अभी 6 बैंडेज है हेल्थ किट है, ठीक है। तो अब आपको इधर मार लेना हेल्थ किट, ठीक है, हेल्थ किट मारना है। चौथा जोन क्योंकि शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, याद रखना। और अभी 6-5 सेकंड में भाई पांचवा जोन निकलने वाला है, ठीक है। और एक ड्रिंक मार लेना भाई, बूस्टर का यूज़ भाई। और देख लो अब ये जोन भी स्टार्ट होने लगा, मतलब कि पांचवा जोन शिफ्ट होने को है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं जोन में चल जाऊंगा, ठीक है, मैं जोन में चल जाऊंगा, ये सोच रहे होगे अभी। ये गलत सोच रहे हो आप, ये राजगढ़ नुबड़ा जोन में नहीं जाएगा इतनी जल्दी। ये साला बहुत गंदा कैंपर था भाई, बोर्ड भी देख के शर्मा जाए, ऐसा खेलता था भाई। जोन देख लो पांचवा शिफ्ट हो गया और ये नुबड़ों की तरह भाई इधर बैंडेजेस मार रहा है भाई। इतना दूर तो भाई बोर्ड भी नहीं रहते जोन के बाहर, बोर्ड भी जाके फाइट लेते भाई। और इसको देख लो, ये ना जाने वाला जोन में। हाँ तो भाई आपको कुछ नहीं करना भाई, अभी देख लो अलाइव है कितने, 19 बंदे अलाइव है, ठीक है। और सीजन स्टार्टिंग में भाई इतने जोन में भाई 25 कभी 30 भी अलाइव होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जोन देख के हड़बड़ाना नहीं, मैं फिर से बोलूँगा, ये पांचवा जोन बस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब शिफ्ट हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा पांचवा जोन, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, अभी पांचवा जोन स्टार्ट हो जाएगा, चौथा मतलब फिनिश हो जाएगा। देखो अभी ये पांचवा जोन बन गया, ठीक है। तो अभी आपका हेल्थ बहुत ज़ोर से काटेगा, आपको डरना नहीं है, आपके पास 34 बैंडेजेस है। और इधर मतलब कि आपको पूरा हेल्थ फुल रखना, पहले आके जोन के कॉर्नर पे, जैसे अभी मैं आया था, वीडियो पहले करके देख लो, मतलब अगर आपने मिस कर दिया तो देख लो वीडियो करके कि मैं इधर कितने हेल्थ पे आया। और आपको बूस्टर पूरे रखने हैं, मतलब कि ऊपर बूस्ट मार लेना पूरा, और भाई बस बैंडेज पे क्लिक करके छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक बंदा बैंडेज मारता रहेगा। क्योंकि अब तो ऐसा है ना, ये नया अपडेट आया तो बैंडेज मारता रहता बंदा खुद से, चाहे मतलब कि जब तक आपका हेल्थ फुल ना हो जाए हेल्थ मारता रहता बैंडेज। अब देखो ये बैंडेज मारता रहेगा, जोन बहुत ज़ोर से कटेगा, आपका मन करेगा, आपका अंदर का आत्मा कहेगा भाई जोन में चल जा मर जाएगा, भाई जोन में चल जा मर जाएगा, बट आपको जोन में नहीं जाना है। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, अगर बॉट आती है या किल फ्री में मिलती है, तो ये आत्मा बस आपको माइनस करवाने के लिए आवाज़ देती है कि भाई जाओ तुम्हारे लिए किल है, और भाई तुम्हें किल मिलेंगे, ज़्यादा प्लस होंगे, जाओ भाई जाओ। अब भाई आपको गलती करनी नहीं है, क्योंकि आपने इतना देर गेम खेल लिया भाई, मान के चलो 26 मिनट, देखो वीडियो के हो गए तो आपने 26 मिनट गेम खेल लिया, ठीक है, और 13 लाइव है। और भाई टॉप 10 भाई नहीं करोगे तो भाई क्या करोगे फिर भाई। और इधर बता रहा हूँ टिप्स कि आपको हर गेम में टॉप 10 का कोशिश करना है, ठीक है। टॉप 10 याद रखना, टॉप 10 करना है आपको, बस टॉप 10, ठीक है भाई। मैंने इतनी बार बोल दिया, अब बाद में मत बोलना भाई तू कैसे प्लस लेता था, एक किल तेरे हुए तेरे को प्लस कैसे मिल जाएंगे। तो भाई ये देख लो, ये है वीक 7 की गेम प्ले, जहाँ आपको अभी पता होगा अगर आपने कॉन्करर कुछ ट्राई किया होगा कभी भी, तो आपको पता होगा कि वीक 7 में भाई कितनी गंदी नूब लॉबी आती है, और यहाँ पे प्लस नहीं मिलता भाई। अगर आप चिकन भी करते हो तो बहुत कम प्लस मिलता है, लेकिन भाई मैं उसमें भी प्लस निकालने में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आपको देखना ये वीक 7 की गेम प्ले भाई, और आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लस कैसे लेना है। अब देखो 3 सेकंड बाकी रह गया, ठीक है। अब मेरा दिमाग हो गया ख़राब, अब मैं क्या करूँगा भाई, सीधा जोन में घुस जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये छठा जोन है, ठीक है, आपको पांचवे जोन तक बाहर रहना है, ठीक है। छठे जोन में रिस्क लोगे तो भाई मतलब कि आप गए, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। तो आपको छठे जोन में घुस जाना है कैसे भी, और जोन के कॉर्नर टू कॉर्नर जाना है, याद रखना, कभी भी जोन के मिडिल में मत जाना। अब देखो टॉप 11 मैं इधर रुक गया, और सामने के साथ भाई फाइट होती रहती है देखो बंदे में, ठीक है। अभी देखो आपका जो डिवाइस है, आपके डिवाइस पे इधर किल नहीं निकलेगा, मेरे को पता है, क्योंकि अभी मेरा डिवाइस थोड़ा अच्छा है। तो देखो अभी मैं किल निकाल लूँगा इधर से, पहले तो इसको मारूँगा पागल को। भाई मैंने इसको सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि ये मेरे को आके फिर मारने की कोशिश ना करे, अगर ये आके मारने की कोशिश करता ना भाई तो आपको दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए प्याड़ियाँ मतलब जहाँ पे भी दिखे भाई उसको डराना है। और सामने देखो फाइट चल रही, मैंने निकाला डीपी, और भाई ये निकल गए फ्री के किल, ठीक है। अब वहाँ पे एक और बंदा रहता है शायद से, तो अभी तो मैं भाई जोन में जाता ही रहता हूँ, मतलब देखो अब 7 अलाइव है, टॉप 10 हो गए मेरे। अब मैं यहाँ पे से क्या करूँगा कि इधर से भी भाई मैं चिकन निकालने का ट्राई करूँगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको ओपन में जाना ही नहीं, किल लेना ही नहीं जब तक आपको किल ना दिखे। और भाई मैं तो स्मोक कर देता उधर, पीछे से पड़ी टाए टाए भाई, मैं बोला ले भाई, मैंने उसको बोला चला जा वो सीढ़ी के, मैं नहीं मरने वाला तेरे से।
और मैं भाई इधर आराम से लेट जाता हूँ फिर, और उधर स्मोक कर लेता हूँ पूरा, मतलब कि स्मोक ऐसा कर लो कि आपको वो देख ना पाए, ठीक है। और भाई आज की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। और अभी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी है, बट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने दे दिया स्टार्टिंग में। और भाई इधर मतलब कि मैं स्मोक कर लेता हूँ पूरा ढेर सारा, और इधर को मैं मतलब आ गया, अब मेरे को लूट चाहिए। तो अब आप लोग अपना हीलिंग फेंक के लूट मत उठाना कि भाई अब तो भाई टॉप 10 हो गया, अब तेरा हीलिंग का क्या काम, क्योंकि भाई आपका हील बैटल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको हील बैटल के लिए हमेशा लास्ट जोन में कम से कम 6 हेल्थ किट रखना और 1 मेड किट रखना भाई, कम से कम। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, बट मिले तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। एमो ड्रॉप कर दो, बट हेल्थ किट स्मोक और ग्रेनेड मत ड्रॉप किया करो, बस ध्यान में रखने है भाई। अब मैंने निकाला बीआरडीएम, और भाई मेरे को छोड़ के 4 बंदे लाइफ थे और मेरे 2 किल थे, जिसमें याद रखना एक बॉट की किल थे और एक बंदा मैंने मारा था, ठीक है। और आपको हर मैच में एक बॉट मिलेगा ही मिलेगा। और देखो बस आपको बीआरडीएम, मतलब कि मेरे पास तो बीआरडीएम है, आपके पास मान लो बीआरडीएम नहीं है, तो भाई आप लोग को बस बंदे स्पॉट करने, आप लोग को जोन में मतलब कि आराम से खेलना, ज़्यादा दिमाग मत खराब करना, ठीक है। और भाई मैं इस पे बरसाने लगा, ग्रेनेड बरसाने लगा, तब भाई मैं इधर आ गया अपना आराम से इधर, मतलब कि अब सोचा चलो डीपी वीपी रिलोड कर ले। आइए गेम प्ले की बातें कर रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया मैंने आपको सारी। और भाई मैं फिर से बता दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स 5 तरह, मतलब कि पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट लैंडिंग, देन आपको सर्वाइव, बस लैंड करना है, सर्वाइव करना है, ठीक है ना। और मेरा गेम प्ले ध्यान से देख लो, अगर आपको बातें समझ में ना आई पहली वीडियो में तो 2 वीडियो देख लो, ठीक है, 2 बार देख लो। और भाई इधर स्मोक स्मोक और भाई इधर स्मोक स्मोक करके पूरा मैं अपना बीआरडीएम फोड़ लेता हूँ भाई। और भाई आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास मान के चलो कि ये है क्या बोलता है उसको, अगर आपके पास ढेर सारी हेल्थ किट है तो अपने कपड़े गिरा दो, मैं तो नहीं गिरा रहा हूँ अभी, कपड़े वपड़े सब गिरा दो कि बंदा आपको सांप बनो तो बंदा आपको स्पॉट ना करवाए। अब भाई मैं निकल पड़ा इधर से, 3 अलाए हुए मेरे को छोड़ के, और भाई मैं निकल पड़ा अपने भाई चिकन की ओर, चिकन डिनर की ओर निकल पड़ा मैं। और भाई ये देखो भाई, इस बंदे को भी इजीली निपटा देते अपन, और इधर अपन के 3 किल हो जाते। आप लोग भले इधर मर जाओ बट आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, प्लस तो मिलेगा मिलेगा, पबजी का बाप भी देगा प्लस, ठीक है ना। अगर प्लस नहीं दिया तो भाई उसको आप रिपोर्ट मार सकते हो पबजी वाले कॉरपोरेशन को, ठीक है। तो भाई इस टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बस यही था भाई, अब बीआरडीएम मैंने पूरी फोड़ दी अपनी। तो भाई इस वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में बस याद रखना, आपको 50 बैंडेजेस उठाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग उठानी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमओ उठाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सबसे पहले सेफ लैंडिंग करनी है। और भाई मेन बता दे रहा हूँ, पहले आपकी KD 0 की भी क्यों ना हो, आपकी KD 1 की क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना है भाई, याद रखना ये बात अपने दिमाग में, सर्वाइव करना। चाहे आपको कोई कितना भी कुछ बोले कि नहीं भाई तुम्हारा 0 का KD है, तुम्हारा कॉन्कर नहीं हो सकता, भाई आपका बहुत माइनस लगेगा, हो सकता है कि पूरे सीजन में 400-500 का माइनस लगेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। क्योंकि मैं भी वीक 8 में गया था, मैंने वीक 1 से स्टार्ट किया था रैंक पुशिंग पहले दिन से, और मैं वीक 8 में भाई 3 स्टार पे कॉन्कर गया था भाई, मतलब मैंने छोड़ी नहीं, मेरे माइनस दिन में 100-200 लगते थे, और मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, मैं रात भर सोता भी नहीं था टेंशन में, मतलब कि अब अगले दिन प्लस करना है। और भाई भाई मैं लगातार गेम खेलता रहता था, मैं 700 गेम खेला था, ठीक है, 700 गेम में खेल करके मेरे को कॉन्करर हुआ था। तो आप लोग को बस याद रखना कि अगर 500 भी माइनस हो, आप लोग को उम्मीद नहीं छोड़नी है। मान लो आप लोग कॉन्कर कर रहे हो, तो भाई अगर मान लो आपका कॉन्कर नहीं भी हुआ ना भाई, तो भाई क्या सी दिक्कत है, आपका क्या जा रहा है भाई, आप तो कोशिश कर रहे हो ना, नेक्स्ट सीजन करोगे भाई, बस कोशिश नहीं छोड़नी, ये बात ध्यान में रखना। आपको बस कॉन्कर करना है तो करना है, अगर आपने कोशिश छोड़ दिए तो भाई आपका कॉन्कर नहीं होगा, तो नेवर लूज हो। और भाई उम्मीद पर ही आपकी दुनिया भी कायम है, तो भाई आपकी कॉन्कर भी उम्मीद पर ही है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे फॉलो करना। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई सवाल और रह गया हो तो मेरे से वहाँ पे क्वेश्चन कर लेना। तो जब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ तो भाई
टाटा बाय बाय बोल दिया था भाई, सॉरी थोड़ा सा सोचा एंटरटेन करूँ आपको, क्योंकि अभी तो भाई मैंने यहाँ पे प्लस दिखाना बाकी है आपको। अभी ये देखो 4 किल हो गए भाई तुम्हारे भाई के, ठीक है? तो भाई 4 किल हो गए, और भाई सोच लो अगर किल नहीं भी होंगे तो आपको टॉप 10 पे प्लस मिलेगा। टॉप 10 इज़ नेसेसरी, मान के चलिए कॉन्कर आपको सर्वाइव कर, बहुत सारे बंदे का सवाल रहता है कि भाई सर्वाइव करके कॉन्कर जा सकते हैं क्या, तो यस एकदम बिल्कुल जा सकते हैं भाई। अगर आप सर्वाइव करके कॉन्कर जाना चाहोगे तो आप 150 मैच भी नहीं लगेगा कॉन्कर पहुंच जाओगे। अगर आप हर मैच में टॉप 10 करते हो, बस हर मैच में टॉप 10 करते हो, अगर आपका चाहे 1 किल या 0 किल ना हो, तो आप भाई 1 वीक में कॉन्कर पहुँच सकते हो, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आप लोग भाई बस देखना, तो ठीक है मिलते हैं बाद में। ठहरिए अभी जाइए मत, अभी और देखिए। हाँ तो भाई मेन चीज़ तो दिखाना ही रह गया भाई, देखो 15+ मिला मेरे को, ठीक है? और भाई ये नूब लॉबी में 15+ मैंने निकाला वीक 7 में, जहाँ पे भाई आपको 2+4+ मुश्किल होती है, ठीक है ना? तो भाई आप देख सकते हो गेम प्ले भी भाई मतलब कितना जहर था, और मैं दिखा देता हूँ प्लस कैरियर रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखो +15 भाई मतलब कि 3+7+ और नीचे देखो चिकन पे 19+ है, वहाँ पे मेरे को 15+ मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वाइवल इज इक्वल टू कॉन्करर, और मेरा रैंक भी देख लो ये 516। तो अब बाय बाय, मिलते हैं।